फालतू, वैसे आप तो इतनी सुंदर हैं कि आप पर भी सब कुछ अच्छा लगता है, पर बड़ा अच्छा लगेगा आप पर ये ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस जिसे चुना है मैंने खास आपके लिए। तो चलिए लेकर चलते हैं इसे फालतू के पास और साथ के साथ जानकर आते हैं कहानी का अपडेट, क्योंकि यह भी एज यूजुअल आया है एक नया ड्रामा। के सीरियल फालतू में आज फालतू और अयान की डेट चल रही है। जी हाँ, फालतू ने दिया है अयान को सरप्राइज। असल में अयान काफी टेंशन में है क्योंकि उसे मिल गया है घर निकाला। भाई अयान ने तो चाहा था कि वो फालतू के लिए बहुत ही रोमांटिक डेट प्लान करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए फालतू ने ही कर दी पार्किंग लॉट में अरेंजमेंट्स और शुरू हुई अयान और फालतू की डेट। भाई पहले तो अयान नाराज था, लेकिन फालतू ने उसे अपने प्यार से मना ही लिया। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए हैं। फालतू को खिला रहा है अपने हाथों से खाना। भाई अयान और फालतू के प्यार की गाड़ी तो चल पड़ी है, लेकिन मुश्किलों का सामना भी बाकी है जो इन्हें साथ मिलकर करना होगा, जिसके लिए अयान और फालतू पूरी तरह से तैयार है। अंदर से पार्किंग में आ गए हैं। हाँ, घर के बाहर निकाल दिए गए हैं, पर जो मिले उसमें हम बांट रहे हैं, खुश हैं। दोनों का बस यही है एम कि हम दोनों साथ रहें और साथ हैं तो खुश हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट आया हमारी स्टोरी में, विच वॉज लॉन्ग अवेटेड, और फैंस यही चाहते थे और हम भी यही चाहते थे, और हमने वैसा ही कुछ किया है। तो आप लोग कल के एपिसोड में देखिएगा, और बहुत एक्साइटिंग होने वाली है यहाँ से स्टोरी। दोनों साथ में लड़ने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं साथ में फेस करने वाले हैं। तो अयान बहुत सैड था, बड़े बड़े सपने देखे थे, फालतू को कोई बहुत अच्छी जगह पे लाविश सा डिनर कराएगा और सब सेलिब्रेशन होगी, लोग खुश होंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग पार्किंग में बैठे हैं, तो इसलिए अयान बहुत सैड है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर हर। तो वो मीन्स भी नहीं है उसके पास, घर से भी निकाल दिया, पैसे भी ले लिए, वॉलेट भी खाली कर दिया था उन्होंने। मार्ट साहब की जिंदगी में फिलहाल बहुत दुख है, पर फालतू और मार्ट साहब साथ में है तो बस खुशियाँ ढूंढ लेंगे। फालतू को जुगाड़ करना आता ही है और बहुत स्मार्ट भी है, तो उसने कैसे ना कैसे फिल्मों में देखा होगा कि कैंडल लाइट डिनर कैसे होता है, तो मोमबत्तियाँ लेकर आई, अमरजी से मंगा लिया सारा सामान, तो जो भी था उसमें अच्छा सेटअप कर दिया। तो अब आपको बहुत सारा रोमांस दिखने वाला है, बस स्टेट यू कीप वॉचिंग। तो अब तनीषा और शांत तो बैठेगी नहीं, ना कनिका आंटी शांत बैठेंगी, तो कुछ ना कुछ तो करने का प्लान है ही। अब लेट्स सी क्या करेंगे हमको अलग करने के लिए। देखो, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, अभी तक दोनों अकेले लड़ रहे थे, अब साथ में लड़ेंगे, तो देखते हैं कैसी होती है जर्नी आगे की। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच शो को इतना प्यार देने के लिए, हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार देने के लिए। कीप वॉचिंग फालतू एंड कीप लव एंड वी लव यू।